नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम ऑन आवर सेट। मैं अपने कैरेक्टर के हिसाब से बताऊंगी। आप बारात की आवाज़ शायद सुन सकते हैं। बारात घर आ रही है, हमारी दीदी सृष्टि दीदी की शादी होने वाली है, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड एज यूजुअल धानी है, क्योंकि दीदी के मेकअप से लेकर उनके कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करने से लेकर घर को सजाना, सब कुछ उसी ने एक्साइटमेंट में किया है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसकी खुद की बहन की शादी है। तो धानी बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इतना अच्छा परिवार मिला है, जो पांडे परिवार जिस जहाँ पर मेरी दीदी जाने वाली है, इतना प्यारा खानदान है। हाँ, हमारे बीच कुछ ऊपर नीचे हो गया था, वो तो धानी है ही ऐसी राजधानी एक्सप्रेस, लेकिन आफ्टरऑल जिस लड़के से शादी हो रही है और उनके जो पिता है बहुत भले लोग हैं, तो इस बात को लेकर धानी बहुत खुश है। तो अभी यही चल रहा है, बारात आ रही है और सब लोग घर पे बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड। रिक्शा की रस्म में आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीक्वेंसेस, बहुत मज़ा आया था वो शूट करते वक्त। एक रस्म होती है जहाँ पे लड़की के घर वाले लड़के वालों को जीप भर के गालियाँ देते हैं गाना गाकर, तो बहुत इंटरेस्टिंग रस्म था वो, और उसी के चलते थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो गई। हमारी जो माँ है गीता माँ और जो बाकी जो हमारे रिश्तेदार थे, सब मिलकर एक गाना गा रहे थे, फोक सॉन्ग, जहाँ पे वो लड़के को, दूल्हे को, उनके माँ बाप को, उनकी बुआ को, सबको ऐसे एक गालियों का सॉन्ग गाकर सुना रहे थे। तो माना जाता है कि वो शुभ है, इसीलिए वो रस्म रखा जाता है शादियों में, पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसके वजह से बुआ ने और ध्रुव की मम्मा ने भला बुरा कहा, जो सुन के धानी को गुस्सा आया था, और वहीं से सारी कन्फ्यूजन शुरू हुई थी। लेकिन ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अब फाइनली हल्दी की रस्म हो चुकी है और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, डेली सोप्स में शादियां ऐसे ही स्मूथली नहीं हो जाती, कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो आई थिंक उसके लिए आपको हमारा शो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, कहते हैं ना शांत होता है जब तूफान आने वाली होती है, शायद वैसा कुछ है। तो प्लीज़ वॉच हमारा शो जो है रंग जाओ तेरे रंग में, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। एंड आपको मैं गारंटी दे रही हूँ कि ये कहानी
बहुत मज़ेदार है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।